हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान आर्ट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेक्निकल कोर्सेज के रिगार्डिंग आपसे शेयर करने वाला हूं। तो जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इसी साल अपना एसएससी का एग्ज़ाम दिया है और जो 8वीं क्लास से लेकर 12th क्लास के जो लो बच्चे हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार अभी मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन अभी आगे मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, पेरेंट्स भी जो है फिक्र से सवाल कर रहे हैं कि अभी आगे क्या सोचा है, क्या करने वाला है, तो ऐसे सवाल आपके सामने बिल्कुल आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक वीडियो टेक्निकल कोर्सेज के रिगार्डिंग बनाऊं और आपको थोड़ा अवेयर कर दूं, ताकि उससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पूरी देखने के बाद में आपको आपका एक गोल मिल जाए कि यार मुझे इसी वे में जाना है और यही चीज़ मैं करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि टेक्निकल कोर्सेज जो है वो दो तरीके के होते हैं और दोनों ही भारत सरकार की मान्यता से चलाए जाते हैं। एक होता है पॉलीटेक्निक कोर्स और एक होता है आईटीआई कोर्स, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्स। लेकिन आज जो है हम सिर्फ आईटीआई कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आईटीआई कोर्स एक्चुअली क्या होता है। ये एक इंडस्ट्रियल कोर्सेज है जिसमें स्टूडेंट को तैयार किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पर काम करने के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोर्स 8वीं से लेके 12वीं क्लास के स्टूडेंट तक के लिए बनाया गया है। इसमें कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ड्रॉसमैन, सिविल ड्रॉसमैन वगैरह, और भी कई तरह के कोर्स इसमें जो है वो कराए जाते हैं, जिसको करने के बाद आप एक अच्छी जॉब के साथ साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। अब आइए हम इसके कुछ फायदे जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आईटीआई कोर्स जो है ये 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। आईटीआई कोर्सेज में ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आना चाहिए या आपका सामना जो है वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट्स होने वाला है, बल्कि इसमें 5 बहुत ही आसान सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल, सेकंड ट्रेड थ्योरी, थर्ड वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस, फोर्थ जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और फिफ्थ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है ये सभी ट्रेड के लिए ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। यहाँ आपको थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि आप हर चीज़ अच्छे से समझ सकें। इतना ही नहीं, आईटीआई कोर्स करने के बाद में आप डिप्लोमा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आसानी से एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको 1 या 2 साल के ही कोर्स मिलेंगे, मतलब आपको अपना कोर्स खत्म करने के लिए 3 या 4 साल का वेट करना नहीं पड़ेगा। और अब अगर बात कर ले एडमिशन की, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है, तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने मुंबई रीजन के नंबर 1 आईटीआई में आसानी से एडमिशन लेने के तरीके को बताया था, तो आप आई बटन पे क्लिक करके जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। और अब कुछ सवालों के जवाब देख लेते हैं जो अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट की तरफ से जो है वो पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये कि आईटीआई में एडमिशन किस कंडीशन में ले सकते हैं। तो अगर आप 8वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो तो आप आईटीआई में आसानी से एडमिशन ले सकते हो, यानी आप अगर 8वीं, 10वीं और 12वीं पास हो तो आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। अगला सवाल ये कि आईटीआई में एडमिशन के लिए कितनी स्टडी होना जरूरी है। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपके पास में 8वीं या 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। हाँ, मगर कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। अगला सवाल ये कि आईटीआई कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब कैसे मिलेगा। अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपना कोर्स कंप्लीट किया है, तो अक्सर आईटीआई में छोटी बड़ी कंपनियां जो है अपना इंटरव्यू कैंपस लगाती रहती है, तो आप वहां से भी इंटरव्यू पास करके जॉब पे लग सकते हो, या फिर आप अपना इंडिविजुअली कोई इंटरव्यू को क्रैक करके भी जॉब पे लग सकते हो। अगला सवाल ये कि आईटीआई के एडमिशन कब शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपका एसएससी का रिजल्ट लग जाता है, वैसे ही आईटीआई के एडमिशन जो है वो शुरू हो जाते हैं। और अब आखिरी सवाल ये कि आईटीआई के एडमिशन की इंक्वायरी के लिए आपको क्या करना होगा। तो आईटीआई में एडमिशन की इंक्वायरी के लिए आपको आईटीआई की पर्सनल वेबसाइट पे जाना होगा, या तो फिर आप अगर घर बैठे ही मुंबई रीजन के नंबर 1 आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑनलाइन एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म का लिंक आपको दे दिया है। और दोस्तों, या तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एडमिशन के रिगार्डिंग पूरी इंक्वायरी डिटेल आपको उसमें दे रखी है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो है आपका एक गोल ज़रूर मिल गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड और कई सारे हमारे स्टूडेंट जो ऐसा सोच रहे हैं और कंफ्यूज है, तो उन्हें एक उनका मकसद मिल पाए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना। जय हिंद।